hello friends very warm welcome to lk academy i am akash dalal and today we will continue with our current affairs lecture number 17 i hope you have gone through all previous lectures of current affairs all those current affairs lectures are very important as major portion of your प्रिलिम एग्जामिनेशन और एनी क्लास टू क्लास थ्री एग्जामिनेशन विल बी फ्रॉम करंट अफेयर्स बीट इंटरनेशनल रिलेशन बीट साइंस एंड टेक बीट एनी पॉलिटिकल इवेंट किसी ना किसी तरह से वो आपके करंट अफेयर्स के लेक्चर के साथ जुड़ा हुआ होगा तो आई रिकमेंड टू गो थ्रू ऑल दोज करंट अफेयर्स लेक्चर्स तो आज का जो पहला जो हमारा करंट अफेयर्स का टॉपिक है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिलेटेड टॉपिक है और वो है you, यूनाइटेड अरब अमीरट्स यू ए जो कंट्री है ओके okay, उसका मार्स मिशन और जिसको नाम क्या दिया गया है जिसको नाम दिया गया है होप एच ओ पी ई होप द यूनाइटेड अरब अमीरट्स मार्स मिशन और होप इज़ स्केड्यूल्ड फॉर लॉन्च इज़ स्केड फॉर लॉन्च ऑन सिक्सटीन ऑफ जुलाई 2020 और ये कहाँ से लॉन्च किया जाएगा जापान के एयरबेज से लॉन्च किया जाएगा इट इज़ वन ऑफ द थ्री मिशन लॉन्चिंग टू मार्स दिस मंथ तो जुलाई के महीने में यू के अलावा और दो कंट्रीज अपने मार्स मिशन को लॉन्च कर रहे हैं एक कंट्री है यू और दूसरा कंट्री है चाइना अब क्यों तीनों कंट्री ने एक ही महीना चुना है जुलाई का ही महीना चुना क्या स्पेशल है तो ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ ईयर मार्स और अर्थ की जो पोजीशन है स्पेस में वो कुछ इस तरीके से है कि वो अपने मिनिमम डिस्टेंस पे प्लेस हुए होंगे और मिनिमम डिस्टेंस पे प्लेस हुए इसका क्या मतलब है कि कम से कम फ्यूल आपका जो है वो यूज होगा एंड दैट्स वाई ऑल द कंट्रीज हैव टू लॉन्च द मार्स मिशन दिस मंथ इट इज़ द फर्स्ट इंटर प्लानिटरी मिशन फॉर द अरब वर्ल्ड देखिए नॉट ओनली यू ए इज़ इंटर प्लानिटरी मिशन है ये बट पूरे अरब वर्ल्ड का जो जितने भी अरब कंट्रीज है उन सब उन सब में से यू ए इन अपना फर्स्ट इंटर इंटरप्लेनेटरी इंटर मतलब दूसरे किसी प्लेनेट की स्टडी करने के लिए जो मिशन हम लॉन्च करेंगे उसको क्या कहेंगे इंटर मिशन दी होप ऑर्बिटर विल बी लिफ्टेड ऑन एच टू ए रॉकेट फ्रॉम मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज अ मशीनरी मेकर इन जापान तो यहाँ से उसको लॉन्च किया जाएगा जापान से इट विल बी लॉन्च फ्रॉम टेनेगेशिमा आइलैंड इन जापान द यू ए डज नॉट हैव इट्स ओन रॉकेट इंडस्ट्री यू ए के पास अपनी कोई रॉकेट इंडस्ट्री नहीं है वंस लॉन्च इट इज एक्सपेक्टेड टू अराइव इन ऑर्बिट अराउंड मार्स इन फेब्रुअरी ट्वेंटी ट्वेंटी एंड द ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी वन इज द ईयर ऑफ फिफ्टी एनिवर्सरी ऑफ यू एज फाउंडिंग और इसीलिए इस जुलाई के महीने में उसको लॉन्च किया गया है टू सेलिब्रेट द फिफ्टी एनिवर्सरी ऑफ ए यू फाउंडिंग इट कॉस्ट अबाउट यू एस डी टू हंड्रेड मिलियन डॉलर एंड विल कैरी थ्री इंस्ट्रूमेंट्स एन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर एन अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोमीटर एंड अ कैमेरा तो ये मार्स के अलग अलग जो आस्पेक्ट है उसको स्टडी करेगा अदर टू मिशन ऑन मार्स तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि नासा भी अपना मार्स मिशन लॉन्च कर रहा है सो नासाज मार्स रोवर जिसका नाम है परसीवरेंस तो आपको देखिए ये तीनों नाम याद रखने हैं यू का जो मार्स मिशन है उसका नाम है होप नासा का जो मार्स मिशन है उसका नाम है परसीवरेंस एंड चाइना का जो मार्स मिशन है उसका नाम है टी एन वन सो नासाज मार्स रोवर परसीवरेंस With instrument to search for chemical signs of past life is scheduled to launch on 30th July. China is also launching an ambitious mission to Mars Tianwen one. To is mahine mein महीने में तीन कंट्री ने अपने मार्स मिशन लॉन्च किए हैं या तो जुलाई एंडिंग तक वो अपने मार्स मिशन लॉन्च कर देंगे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो नेशनल लेवल का टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू योर एजुकेशन सब्जेक्ट और वो है प्रज्ञाता अब क्या है ये प्रज्ञादा तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब से ये कोविड नाइन्टीन स्टार्ट हुआ है तो ऑलमोस्ट पच्चीस करोड़ इंडियन स्टूडेंट्स वो स्कूल से बाहर हो गए हैं वो अपनी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं वो अपना एजुकेशन कन्वेंशनल वे में क्लासरूम वे में कंडक्ट नहीं कर पा रहे हैं अब कब तक हम अपने एजुकेशन को रोक के रखेंगे राइट पेंडेमिक कब खत्म होगा वी डोंट नो तो हमारे स्टूडेंट को बिज़ी रखना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है उनका एजुकेशन कंडक्ट होना काफ़ी ज़रूरी है तो इसीलिए जो स्कूल थे कॉलेजेस थे उन लोगों ने क्या किया है जो ऑनलाइन क्लासेस लेना स्टार्ट किया है राइट क्योंकि बच्चे स्कूल तो जा नहीं रहे स्टूडेंट स्कूल तो जा नहीं रहे या जा नहीं सकते तो इसी की वजह से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुए हैं अब इस ऑनलाइन क्लासेस को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एडवाइज़री इश्यू की है ओके okay, और वो एडवाइज़री क्या है अलग अलग जो ऑनलाइन इश्यूज़ फेस हो रहे हैं उसमें कैसे स्टूडेंट्स को बाइफरगेट किया जाए उसके लिए ये प्रज्ञाता एडवाइज़री लॉन्च की गई है सो रिसेंटली दी एम एच आर डी मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हैज़ रिलीज गाइडलाइंस ऑन डिजिटल एजुकेशन टाइटल्ड प्रज्ञाता और ये जो एडवाइजरी लॉन्च की गई है एडवाइजरी जो जारी की गई है उसका टाइटल क्या है प्रज्ञाता the guidelines have been prepared by the national council of education research and training ncert these are only advisory in nature and the state governments can formulate their own rules based on local needs so yeah, this is not law this is just an advisory okay you sh state should perform or state should conduct the online classes like this okay it is not

ट्रैक एंड अप्रिशिएट तो इन सारे स्टेजेस के जो इनिशियल लेटर्स हैं उनको मिला के आपका जो प्रज्ञाता वर्ड है वो बनाए हैं ये सारे शब्द आपको याद रखने की ज़रूरत है कभी भी एग्जाम में जी पी एस सी यू पी एस सी या क्लास वन टू की और किसी भी एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है कि भाई प्रज्ञाता में से फॉलोइंग में से कौन सा आस्पेक्ट है या तो कौन सा आस्पेक्ट नहीं है तो कौन से कौन से आठ आस्पेक्ट है प्लान रिव्यू अरेंज गाइड Talk, असाइन ट्रैक एंड अप्रिशिएट जब से ये पेंडेमिक स्टार्ट हुआ है मार्च से तो देखिए काफ़ी सारे दिक्कत हमें आ रही है और इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज में जहाँ पे आज भी जो ऑनलाइन एक्सेस है वो काफ़ी सारे सोसाइटी के लेवल्स को सोसाइटी के काफ़ी सारे तबकों को ऑनलाइन एक्सेस नहीं मिल पाया है ओके शहरों में अगर आप रह रहे हो तो हो सकता है कि वो काफ़ी इजीली आपको अवेलेबल हो बट गाँवों तक आज भी जो वाईफाई कनेक्टिविटी है वो नहीं पहुंच पाई है और इस सिचुएशन में जब आप ऑनलाइन क्लासेस की बात करते हो तो आपके लिए काफ़ी सारी दिक्कत स्टूडेंट्स uh, को फेस करनी पड़ती है नॉट इवन स्टूडेंट्स काफ़ी सारे जो टीचर्स हैं जो गांव में रहते हैं उनके लिए भी ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करना इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट आए दिन हम न्यूज़ में जब से ये स्टार्ट हुआ है ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करना फ्रॉम लेट जून तब से हम ये चीज़ें देख रहे हैं सो so, डिजिटल एक्सेस के बारे में इस प्रज्ञाता जो एडवाइजरी पब्लिश की गई है उसमें यह बात की गई है दैट ओवर ट्वेंटी फाइव स्टूडेंट्स अक्रॉस द कंट्री हैव बीन आउट ऑफ स्कूल सिंस मिड मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी और क्यों क्योंकि कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक की वजह से और देखिए क्यों स्कूल्स अब तक स्टार्ट नहीं किए गए अनलॉक तो स्टार्ट हो गया है जुलाई महीने से जून महीने से बट स्टिल स्कूल्स आर नॉट बीइंग ओपन क्यों क्योंकि अगर बच्चों को एक बार स्कूल बच्चों ने एक बार अगर स्कूल में जाना स्टार्ट कर दिया तो स्टूडेंट्स कैन बी दी मास स्प्रेडर ऑफ़ द वायरस और उनकी जो इम्यून सिस्टम है वो अभी इतनी वीक होगी कि वो तुरंत वायरस को कैच कर लेंगे और अगर उन लोगों ने वायरस को कैच कर लिया तो वो वायरस इतने जल्दी से स्प्रेड करेंगे कैरी करेंगे कि वो फैमिली में अपनी सोसाइटीज़ में अपनी आसपास की विसिनिटी में भी उस वायरस को जल्दी से स्प्रेड कर देंगे दैट्स वाई दुनिया के काफ़ी सारे जगहों में स्कूल्स को और कॉलेज को भी क्या रखा गया है बंद रखा गया है साउथ कोरिया की अगर मैं बात करूँ तो साउथ कोरिया में स्कूल्स खोले गए थे बट जब सेकेंड वेव स्टार्ट हुआ कोविड नाइन्टीन का तो अगेन ये पाया गया कि भाई स्कूल की वजह से ये वायरस थोड़ा ज़्यादा फैल रहा है इसीलिए स्कूल्स को साउथ कोरिया में वापस बंद कर दिया गया

ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं उस प्लेटफॉर्म के साथ इन लोगों को जोड़ा जाए सो दोज हु हैव कंप्यूटर्स और स्मार्टफोन्स विद 4G इंटरनेट एक्सेस ये हो गई आपकी पहली कैटेगरी ओके देखिए इनको कोई दिक्कत नहीं है ये लोग आराम से अपने कमरे में बैठकर ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सकते हैं दोज विथ स्मार्टफोन्स बट लिमिटेड और नो इंटरनेट एक्सेस ओके मान लीजिए कि कोई एक जी या दो जी डेटा पे अगर चला रहा है अगर दो घंटा अगर वो ऑनलाइन लेक्चर ले रहा है तो हो सकता है कि उसका डेटा की उसको Uh, कमी वहाँ पे महसूस हो दोज विथ टेलीविजन विथ केबल और डी टी एच अ रेडियो सेट और अ बेसिक मोबाइल फ़ोन विद एफ एम रेडियो एंड दोज विथ नो कम्युनिकेशन डिवाइस एट ऑल इट एम्फोसाइज द एम ऑफ डिजिटल क्लास रूम इज नॉट इट नॉट टू ट्राई एंड रिक्रिएट फेस टू फेस क्लास रूम ओवर द इंटरनेट तो देखिए ज़रूरी नहीं है कि फेस टू फेस क्लास रूम ही हो अगर आप किसी तरह से सुन भी सकते हो ऑडियो डिवाइस भी अगर आपके पास है देन ऑल्सो यू कैन लर्न समथिंग फ्रॉम द ऑनलाइन क्लासेस अब ये सर्वे की जरूरत क्या थी तो इट एडवाइज स्कूल्स टू फर्स्ट सर्वे द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल विद टीचर्स एज वेल एज स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये समस्या सिर्फ़ स्टूडेंट की नहीं है और देखिए टीचर की सिर्फ समस्या इंटरनेट नहीं है मान लीजिए जो फोर्टी या फोर्टी फाइव प्लस वाले जो टीचर्स है जो टेक्नोलॉजी का इतना यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि आज तक इनको वो ज़रूरत ही नहीं पड़ी है वो भी काफ़ी हार्ड ट्राई कर रहे हैं कि किस तरह से ऑनलाइन क्लासेस लिए जाए तो गवर्नमेंट ने स्कूल्स को ये हिदायत दी है स्कूल्स को ये एडवाइज़री जारी की गई है कि भाई पहले आप सर्वे कीजिए कि भाई कौन से टीचर्स इसके लिए रेडी है अगर रेडी नहीं है तो कैसे उनको रेडी करना है कौन से स्टूडेंट्स के पास एक्सेसिबिलिटी है कौन से टीचर्स इसको इजीली कंडक्ट कर सकेंगे ये चीज़ें आपको सर्वे करनी है अगर जिसके पास नहीं है उनको पहले वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाइए किसी तरह दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दी स्कूल्स ओके एंड उसके बाद आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आगे जाना है सो इट एडवाइजेज स्कूल्स टू फर्स्ट सर्वे द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल विद टीचर्स एज वेल एज स्टूडें द लेवल ऑफ पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट बिफोर मेकिंग डिसीजन अबाउट द मोड ऑफ टीचिंग देर फोर स्कूल मस्ट ऑल्सो प्लान टू रीच स्टूडेंट्स हु डू नॉट हैव एक्सेस एनी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एट होम और इसका ड्यूरेशन भी ड्यूरेशन की भी गाइडलाइन गवर्नमेंट ने हमें दे दी है वो क्या है फॉर किंडर गार्डन नर्सरी एंड प्री स्कूल ओनली थर्टी मिनट्स ऑफ स्क्रीन टाइम पर डे फॉर विथ पेरेंट्स इज रिकमेंडेड ओके तो अगर नर्सरी और प्री स्कूल अगर ऑनलाइन थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू हो रहा है तो नॉट मोर देन थर्टी मिनट्स मैक्सिमम थर्टी मिनट्स का ही स्क्रीन टाइम स्टूडेंट्स के लिए वायबल होगा स्कूल्स कैन होल्ड लाइव ऑनलाइन क्लासेस फॉर मैक्सिमम वन पॉइंट फाइव आवर्स पर डे फॉर क्लासेस वन टू एट एंड थ्री आवर्स पर डे फॉर क्लासेस नाइन टू ट्वेल्व ये इशू ये गाइडलाइन गवर्नमेंट ने इशू की है तो ये प्रज्ञाता के बारे में जो आ, सारी चीज़ें थी, थी वो हमने डिस्कस कर ली नाउ नेक्स्ट अवर टॉपिक इज फ्राम दी एरिया ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनेशनल रिलेशन हमें डिस्कस कर रहे हैं इंडिया के ईरान के साथ तो अगर पिछले एक दो दिन के आपने अगर न्यूज़ चैनल्स दिखे हो या न्यूज़ पेपर पढ़े हो तो आपने देखा होगा कि ईरान की तरफ से एक न्यूज़ आते हुए हमें दिखते हैं कि चाबार प्रोजेक्ट के जो रेल प्रोजेक्ट है चाबार जहेदान रेल प्रोजेक्ट उसमें से इंडिया को टेम्परिली रिमूव कर दिया गया है बट आज और एक न्यूज़ आ रहा है करंट ट्वेंटी सेकेंड जुलाई की एक मैं बात कर रहा हूँ कि ईरान के जो फॉरेन मिनिस्ट्री हैं उन्होंने ऑफिशियल पब्लिश की है कि अभी तक ऐसा कोई डिसीज़न नहीं लिया गया है तो जब इंडियन एम्बेसी या इंडियन गवर्नमेंट इसको वेरीफाई कर लेगी तब जाके हम आगे इसके ऊपर कुछ कह पाएंगे कि अपडेट क्या है ओके चलिए बेसिक इंडिया और ईरान के बारे में अगर मैं आपको पूछूं कि भाई कैसे रिलेशन है पिछले एक साल में उस रिलेशन पर क्या फ़र्क पड़ा है तो हम अगेन वी हैव टू गो बैक टू मे 2019, ओके okay, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा कि हमने मे 2019 में इसके बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था क्या डिस्कस किया था ईरान डील हमने पूरी डिटेल में डिस्कस की थी उसके बाद हमने ईरान और यूएसए के जो रिलेशन थे उसके बारे में डिस्कस किया था देन वी हैव डिस्कस्ड U.S. एस एंड इंडियाज़ रिलेशन और यू ने खुली धमकी दी थी यू ने खुद को विड्रॉ कर लिया था ईरान डील से ईरान पे सेंशन लगाना स्टार्ट कर दिया था और उसके बाद यू ने धमकी दी थी कि भाई अगर कोई कंट्री ईरान के साथ रिलेशन रखता है या ईरान के साथ ऑयल के थ्रू कोई रिलेशन रखता है तो यू उस कंट्री पर भी सेंक्शन लगा देगा और क्योंकि इंडिया का ज़्यादा ट्रेड जो है वो यू के साथ है इंडिया ने भी इस धमकी को मानकर ईरान के साथ अपने मोस्टली सारे ही जो रिलेशन थे उसको कुछ टाइम के लिए क्या कर दिया था पोस्टपोन कर दिया था साइड में रख दिया था ओके okay. चलिए तो ये मैंने आपको बैकग्राउंड दे दिया नाउ लेट्स कम टू द न्यूज़ सो रिसेंटली the मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैज़ confirmed दैट इंडिया इज नो लॉन्गर involved इन दी फर्जाद बी गैस फील्ड प्रोजेक्ट ऑफ ईरान further it has said that India has not received any response from Iran since December 2019 on the future of the द Zahedan railway project as well तो ऐसा लग रहा है इस न्यूज़ से कि ईरान इंडिया के साथ दूरी बनाने की कोशिश कर रहा है विच इज़ वेरी अनलाइकली क्योंकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है क्यों ऐसा कभी नहीं हुआ है क्योंकि ईरान और इंडिया के जो कल्चरल टाइज है वो सदियों पुराना है और वो काफ़ी स्ट्रांग है और इंडिया ने हमेशा ही ईरान की मदद की है चाहे वो इकोनॉमिकली हो चाहे वो कल्चरली हो सो इट्स साइटेड पॉलिसी चेंज बाय ईरानियन गवर्नमेंट ओके जैसे कि मैंने कहा कि आज तक ऐसा नहीं हुआ है बट अब क्योंकि ईरान थोड़ा पॉलिसी चेंज करता हुआ हमें दिख रहा है ईरान अनसर्टेन फिनंस एंड द यू एस एंक्शन सिचुएशन एज द रीज़न बिहाइंड द डिसीजन ऑफ़ इंडियन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन ईरान अब देखिए आजकल दुनिया में जो कंट्रीज हैं उनके बीच क्या चल रहा है मान लीजिए ए बी सी कंट्रीज़ है और बी अगर ए का भी फ्रेंड है और अगर बी सी का भी फ्रेंड है और अगर बी और सी के बीच में कोई बड़ा सा इशू चल रहा है तो बी हैज़ टू डिसाइड कि इधर मैं ए के साइड होऊंगा या तो मैं मुझे रहना है सी के साइड अब हम न्यूट्रल रहने का जो टाइम था वो आज की पॉलिटिकल सिनेरियो में हमें नहीं दिख रहा है और ये जो एग्जांपल मैंने दिया वही एग्जांपल आपको यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है हमें पता है कि यूएसए और ईरान के बीच में काफ़ी हद तक झगड़ा चल रहा है उनके बीच कोई ट्रेड नहीं है यू ने बहुत सारे सेंक्शन लगा के रख दिए ईरान पे, बट इस सिचुएशन में इंडिया की क्या पोजीशन होगी इंडिया के तो यू के साथ भी रिलेशन स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं और ईरान के साथ ऑलरेडी हमारे रिलेशन स्ट्रोंग थे अब तक इंडिया क्या करता था कि न्यूट्रल रहता था राइट right? इंडिया किसी के झगड़े में बढ़ना नहीं चाहता था बट क्योंकि अब यूएसए ने सीधा सीधा ये बोल दिया था 2019 में कि अगर कोई कंट्री ईरान के साथ कोई भी एक रुपये का भी अगर ट्रेड रिलेशन रख रहा है इकोनॉमिक टाइज़ रखेगा तो यूएसए उस पर सेंक्शन लगा देगा राइट right? और इसीलिए क्योंकि इंडिया को यूएसए की ज़्यादा ज़रूरत थी इसलिए हमने ईरान से ऑयल लेना बंद कर दिया बट इस चाबहार प्रोजेक्ट के लिए हमने यूएसए से एक्सेप्शंस मांग लिया था ओके okay, और यू ने भी ये कन्फर्म किया था कि ओके वी अलाउ इंडिया टू कंटिन्यू देयर इन्वेस्टमेंट इन चाबार पोर्ट हम इंडिया इंडिया के ऊपर कोई सेंक्शन नहीं लगाएंगे अगर इंडिया ओनली एंड ओनली चाबार प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा हुआ है बट और कोई ट्रेड रिलेशन इंडिया ईरान के साथ नहीं रखेगा और ये दोनों के लिए बेनिफिशियल था तीनों के लिए बेनिफिशियल था ईरान के लिए भी यूएसए के लिए भी और इंडिया के लिए भी इसलिए ये सिचुएशन को मान लिया गया इस कंडीशन को अग्री कर लिया गया ओके चलिए अब देखिए यहाँ पे आपको टाइमलाइन दी गई है कि भाई ये चाबार और फर्जाद बी प्रोजेक्ट क्या है सो so, 2002 में हमें जाना पड़ेगा कॉन्सोर्टियम ऑफ ओ विदेश आई एंड ऑयल इंडिया साइंस कॉन्ट्रैक्ट फॉर कैरिंग आउट एक्सप्लोरेशन ऑफ फर्जाद बी ब्लॉक तो ईरान का एक बहुत बड़ा एक प्रदेश है जहाँ पे हमें काफ़ी सारे गैस मिल सकेंगे जो आ, हमने हॉमूज स्ट्रेट के बारे में जो बात की है स्ट्रेट ऑफ हॉमूज में तो वहाँ पे ये प्रोजेक्ट को आ, बढ़ाने के लिए डेवलपमेंट के लिए 2002 में इंडिया ने एंटर किया 2003 में क्या हुआ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी एंड देन ईरानियन प्रेसिडेंट सैयद मोहम्मद खतामी साइन अ डील टू डेवलप चाबहार पोर्ट कॉम्प्लेक्स एंड चाबहार बाम रेलवे लिंक और ये ऑलमोस्ट 620 किलोमीटर की रेलवे लिंक को डेवलप करने का ट्रीटी साइन की गई इन 2009 थाउजेंड नाइन फर्जाद बी कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर्स 2015 में वापस क्या हुआ यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी साइंस एंड एमओयू ओ यू विथ ईरान दो में क्या हुआ देखिए 2009 से 2015 तक वहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ छः साल तक वो ऐसे ही डेड पड़ा रहा प्रोजेक्ट 2016 में पीएम नरेंद्र मोदी विजिट्स तेहरान डिस्कसिस चाबहार एंड फर्जाद विथ ईरानियन प्रेसिडेंट हसन रूहानी और हसन रूहानी माने जाते हैं इंडिया के प्रो इंडियन प्रेसिडेंट ओके okay. रूहानी इनोग्रेट्स फर्स्ट फेज ऑफ पोर्ट ईरान एंड इंडिया साइंस फैक्ट वर्थ 2 बिलियन डॉलर फॉर कॉपरेशन इन रेल 2018 हज़ार अठारह में ईरान साइंस अग्रीमेंट टू लीज देशनल कंट्रोल ऑफ चाबार पोर्ट और चाबहार पोर्ट किसको दिया गया इंडिया को दिया गया अब देखिए क्यों चाबहार पोर्ट हमारे लिए इतना ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट था और श्रीलंका का हम्बनडोटा पोर्ट था वो ऑलरेडी किसके कब्जे में जा चुका था चाइना के कब्जे में तो अगर इंडिया को अपनी प्रेजेंस बनाए रखनी है गल्फ रीजन में तो ईरान का ये चाबहार पोर्ट स्ट्रेटेजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट था हमारे लिए और इंडिया ने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैप कर लिया ईरान साइंस अग्रीमेंट टू लीज द ऑपरेशनल कंट्रोल ऑफ चाबहार पोर्ट और जुलाई 2020 में हमें क्या ख़बर मिलती है कि ईरान शोज द डोर टू इंडिया इन बोथ चाबहार एंड फर्जा बी प्रोजेक्ट्स अभी इसका रीज़न जब हम एनालाइज करेंगे तो हमें आने वाले टाइम में पता चलेगा और अभी देखिए ईरान तो ये बोल रहा है कि ऐसी कोई न्यूज़ ओके okay? हमने अभी इंडिया को बाहर नहीं किया है लेटर स्टेज पर हम इंडिया को यहाँ पे इंक्लूड करेंगे नाउ व्हाट इज़ फरजाद बी गैस फील्ड इट इज़ लोकेटेड इन पर्शियन गल्फ ईरान दी कॉन्ट्रैक्ट फ्लो फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ द फील्ड वाज़ साइंड इन 2002 बाय इंडियन कंप्राइजिंग ओ विदेश इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन एंड ऑयल इंडिया

since then the consortium has been trying to secure the contract for development of the field the major dispute between india and iran was over setting up of the two pipelines and also over money to be quoted on the development plan around 75% of the deal was finalized by march 2018 when the usa unilaterally withdrew from the nuclear deal and announced sections of ऑन ईरान तो देखिए ये पोस्ट लेट 2018 से ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई है ईरान और यूएसए के बीच का जो झगड़ा था वो अब इतना बढ़ गया है कि इंडिया को भी उसका जो नुकसान है वो भुगतना पड़ रहा है इन जनवरी 2020 और दूसरा जो एस्पेक्ट है जो छुपा हुआ एस्पेक्ट है वो ये है कि अगर ईरान इंडिया से दूर जाता है तो आपको पता है कि यूएसए का सबसे बड़ा दुश्मन आजकल कौन चल रहा है चाइना तो सीधा चाइना इन करेगा जैसे ही इंडिया यहाँ से बाहर जाएगा इंडिया को ये डर है कि जो चाबार पोर्ट है वहाँ का जो कंट्रोल है वो भी किसके हाथ में चला जाएगा चाइना के हाथ में चला जाएगा और जो ये कोई भी नहीं चाहता ना जापान चाहता है ना ऑस्ट्रेलिया चाहता है ना इंडिया चाहता है ना यू एस है तो देखना है कि आने वाले टाइम में ये जो चार बड़े कंट्रीज़ हैं जो क्वाड के कंट्रीज़ हैं वो इसके ऊपर क्या एक्शन लेते हैं इन जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी इंडिया वॉज इन्फॉर्म्ड दैट दी इन द इमीडिएट फ्यूचर ईरान वुड डेवलप द फील्ड ऑन इट्स ओन एंड वुड लाइक टू इन्वॉल्व इंडिया अप्रोप्रिएटली एट लेटर स्टेज तो चाइना ये सॉरी ईरान ये बोल रहा है कि अभी के लिए वी विल डेवलप द रेलवे लिंक लेटर स्टेज अगर हमें किसी असिस्टेंट्स की जरूरत पड़ेगी तो हम किसको इन्वॉल्व करेंगे इंडिया को इन्वॉल्व करेंगे और ये देखिए काफ़ी बड़ा कंसर्न है इन दी इंडिया ईरान इंटरनेशनल रिलेशंस बाइलेटरल रिलेशंस में ये काफ़ी बड़ा कंसर्न्स है क्योंकि आज तक अगर आप पिछले चालीस पचास सालों का अगर इतिहास उठा के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ईरान ने हमेशा इंडिया का साथ दिया है चाहे कैसी भी ग्लोबल सिचुएशन रही हो बट पहली बार ईरान ने इंडिया के सामने आवाज़ उठाई है और इंडिया को बाहर का रास्ता दिखा दिया है इन द न्यू डेली डिक्लेरेशन साइंड इन टू थाउजेंड एंड थ्री बोथ कंट्रीज़ हैड डिसाइडेड टू जॉइंटली डेवलप द चाबहार पोर्ट कॉम्प्लेक्स देखिए ये जो आपको बॉर्डर दिख रहा है दैट इज़ ईरान अफगानिस्तान बॉर्डर एंड ये जो अभी मेरा जो हाईलाइटर घूम रहा है दैट इज़ ईरान पाकिस्तान बॉर्डर ईरान पाकिस्तान बॉर्डर के दोनों तरफ लेफ्ट एंड राइट साइड लेफ्ट साइड आपको दिख रहा होगा चाबहार पोर्ट और यहाँ पे आपको दिख रहा है ग्वादर पोर्ट तो ग्वादर पोर्ट में ऑलरेडी चाइना ने अपना डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया है देखिए यहाँ पे अगर ग्वादर पोर्ट में अगर चाइना अपना डेवलपमेंट बढ़ा रहा है तो ये रीजन भी धीरे धीरे कौन हथिया लेगा चाइना हथिया लेगा जो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है इसीलिए इंडिया ने ईरान का जो चाबहार पोर्ट है वहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट किया है और देखिए यहाँ पे आपको गल्फ ऑफ ओमान दिख रहा है दिस इज दी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस जिसके बारे में हम काफ़ी बार पास्ट में डिस्कस कर चुके हैं सो इन दी न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ये डिसाइड हो चुका था कि भाई इंडिया इन्वेस्ट करेगा और डेवलप करेगा चाबार पोर्ट को द पोर्ट डेवलपमेंट वाज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दी सेंशन इंडिया मेन इन्वेस्टमेंट इन द चाबार पोर्ट वेर इट हैज़ टेकन ओवर ऑपरेशन इन वन टर्मिनल हैड प्रोग्रेस्ड वेल इन दी पास्ट फ्यू ईयर्स हैंडलिंग एटी टू शिप्स विथ ट्वेल्व लैक्स टर्नस ऑफ बल्क कार्गो इन एट थाउजेंड एंड टू हंड्रेड कंटेनर्स सिंस डिसम्बर ट्वेंटी एटीन देखिए डिसम्बर ट्वेंटी एटीन से बारह लाख ,00 टन जितना जो कार्गो है वो चाबार पोर्ट में आ, हैंडल हो चुका है और उसका पैसा इंडिया और ईरान दोनों को मिला है तो ये दोनों के लिए ही इकोनॉमिकली भी काफ़ी वायबल प्रोजेक्ट होता हुआ दिख रहा है अ कॉन्ट्रैक्ट टू डेवलप द 628 किलोमीटर रेलवे लाइन दैट इज़ चाबहार जहादीन अलोंग द ईरान अफगानिस्तान बॉर्डर वाज साइंड इन 2016 सिक्सटीन इरकॉन वॉज अपॉइंटेड बाई द गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एस 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 द फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट तो इंडिया की तरफ से कौन सी कंपनी अभी थी ओ एन जी सी थी एंड इरकॉन थी

खबर किए बिना ईरान ने क्या किया जो रेलवे लाइन इंडिया के साथ उसको स्टार्ट करनी थी इंडिया को खबर किए बिना उसने उसका डेवलपमेंट का काम स्टार्ट कर दिया इंडिया इज़ नॉट पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट एज ऑफ नाउ सिंस देर इज़ अ लैक ऑफ क्लैरिटी ऑन वेदर इट विल अट्रैक्ट द यू एस एक्शंस हावएर इट हैज़ कन्वेड टू ईरान दैट इट इज़ ओपन टू ज्वाइनिंग द प्रोजेक्ट लेटर तो अभी देखिए इंडिया को भी कोई इतनी क्लैरिटी नहीं है राइट right? कि भाई अगर इस देखिए यूएसए ने जो हमें छूट दी थी वो किसके लिए छूट दी थी जस्ट फॉर द चाबार पोर्ट अब अगर हम रेलवे लाइन के डेवलपमेंट में अगर जाते हैं तो इंडिया को भी यही नहीं पता है कि अगर यहाँ पे जाएंगे तो यूएसए हमारे ऊपर सेंक्शन लगाएगा या नहीं लगाएगा इसलिए इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से भी ये बात अभी क्लियर नहीं है बट इंडिया ने ये बात अभी क्लियर की है कि, कि अगर ईरान चाहता है तो ऐट द लेटेस्टेज ऑल्सो वी आर रेडी टू स्वप इन तो आने वाले टाइम में हमें देखना है कि यहाँ पे हमें क्या अपडेट होता हुआ मिलता है नेक्स्ट जो टॉपिक है वो सीधा आपका जुड़ेगा पॉलिटिक के साथ अगर आप पिछले एक दो हफ्ते से अगर न्यूज़ देख रहे हो तो आपको राजस्थान में जो पॉलिटिकल क्राइसिस चलता हुआ दिख रहा है उसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होगा क्या क्राइसिस है तो जो ब्रॉडर पिक्चर पे अगर आप देखोगे तो वो क्राइसिस है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी के जो एम एल हैं चुने हुए एम उसको खरीद और फरोख्त का मामला आपको होता हुआ वहाँ पे दिख रहा है जब किसी एक पार्टी चुने हुए एम या एम ट्रांसफ़र कर जाते हैं किसी दूसरी पार्टी में तब क्या पोजिशन होगी कॉन्स्टिट्यूशनली वो चीज़ हमें यहाँ पे देखनी है सो रिसेंटली दी नाइनटीन रेबेल एम एल एज ऑफ राजस्थान रूलिंग पार्टी दैट इज़ आई एन सी इंडियन नेशनल कांग्रेस हैव फाइल्ड अ पिटिशन बिफोर दी हाई कोर्ट चैलेंजिंग द डिस्कालीफिकेशन नोटिस इज इश्यूड टू देम बाई असेंबली स्पीकर अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ देखिए बेसिकली मुद्दा कहाँ से स्टार्ट हुआ तो दो हजार अट्ठारह में जब राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी तो मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर कांग्रेस पार्टी में थोड़ा बवाल छिड़ छे, गया था क्या बवाल था एक साइड थे अशोक गहलोत के सपोर्टर जो कि काफी एक्सपीरियंस लीडर माने जाते हैं यहाँ पे आपको मैंने पिक्चर में दिखाया है और दूसरी साइड थे यंग लीडर सचिन पायलट अब इन दोनों को ही बनना था सीएम बट सीएम तो कोई एक ही इंसान बन सकता है तो कांग्रेस पार्टी ने ये डिसाइड किया कि क्योंकि अशोक गहलोत इज़ एन एक्सपीरियंस्ड लीडर और कांग्रेस की जो अभी देश में सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से अशोक गहलोत को क्या बनाना चाहिए सीएम बनाना चाहिए बट क्योंकि सचिन पायलट नाराज़ ना हो इसके लिए उन लोगों उनको क्या बनाया गया डेप्यूटी सी बनाया गया अब तब से ये जो पोलिटिकल क्राइसिस था वहाँ पर चल रहा था अब जुलाई 2020 में क्या हुआ कि उन्नीस बीस जितने जो एम थे उन लोगों ने गवर्नमेंट को यह बोला कि अगर आप एक्स वाई जेड पोस्ट हमें नहीं दे दो पॉलिटिकल डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है वी जस्ट नीड टू नो द दो रेबेल एम एल एज है वो लोग पार्टी चेंज करना चाहते हैं या तो रिजाइन करना चाहते हैं ओके द रीजन इज नॉट येट क्लियर ओके डोंट गो थ्रू मीडिया रिपोर्ट्स जो स्टेट मीटिंग्स होती है कैबिनेट मीटिंग हुई या एम की जो मीटिंग हुई उन वहाँ पे ये जो 20 या 25 जो एम थे वो वहाँ पे नहीं पहुँचे अब जब वो वहाँ पे नहीं पहुँचे तो राजस्थान असेंबली के स्पीकर ने उन लोगों को नोटिस भेजा कि भाई आप क्यों नहीं आ रहे हो तो नोटिस भेजना चाहिए था कि वाई आर यू नॉट कमिंग टू दी स्टेट मीटिंग्स ओके वाई आर यू नॉट कमिंग टू दी एम एल मीटिंग्स बट उनको कौन सा नोटिस भेजा गया उनको सीधा नोटिस भेजा गया अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ अब एंटी डिफेक्शन लॉ कब पिक्चर में आता है वो मैं आपको इसके बाद समझाऊंगा पहले जो बेसिक है वो मैंने आपको समझा दिया तो इसके अगेंस्ट में पायलट के जो सपोर्टर थे वो कहाँ चले गए हैं वो चले गए हैं राजस्थान हाईकोर्ट में और दिस इज नाउ दिस मैटर इज़ नाउ सबजुडिस और आने वाले एक दो दिनों में लगे हो सकता है कि इसका जो फैसला है वो हमें आता हुआ दिखेगा कि भाई स्पीकर के क्या क्या राइट्स है और जो कौन से एम सही है कौन से साइड के एम सही है सो रिसेंटली नाइनटीन रेबेल एम एल एज ऑफ राजस्थान रूलिंग पार्टी हैव अ पिटीशन बिफोर द हाई कोर्ट चैलेंजिंग द डिस्वाफिकेशन नोटिस इश्यूड टू देम बाई असेंबली स्पीकर अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ द डिसिफिकेशन नोटिस वॉज इश्यूड ऑन एम एल एज एबसेंस फ्रॉम सक्सेसिव कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी मीटिंग्स एंड कॉन्स्पिरसी टू ब्रिंग डाउन दी गवर्नमेंट तो अंडर दिस कॉन्स्पिरसी उन लोगों को एंटी डिफेक्शन लो का नोटिस भेजा गया है अब डिसक्वालिफ़िकेशन का जो पूरा ब्यौर पूरा डेफिनेशन आपको दिया गया है वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के टेंथ स्कड्यूल में दिया गया है जो कि पास गया था अराउंड नाइनटीन एटी फाइव पचासी में टेंथ शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन में एंटर किया गया था द एंटी डिफेक्शन लॉ वॉज पासड इन नाइनटीन एटी फाइव थ्रू द फिफ्टी सेकेंड अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट एडेड दूल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द मेन इंटेंट ऑफ द लॉ वॉज टू कॉम्बेट द इवील ऑफ द पोलिटिकल डेफिक डिफेक्शन देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों को कभी ये पता नहीं था कि आने वाले समय में एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने के लिए या सरकारों को गिराने के लिए चुनी हुई सरकारों को गिराने के लिए एम का एम या एम को पैसों का लालच देकर ख़रीदा जा सकेगा और इसीलिए हमारे जब इनिशियल में ये कॉन्स्टिट्यूशन बना तब कभी ये चीज़ हमें वहाँ पे डॉक्यूमेंटेड होती हुई नहीं दिखी थी बट जैसे जैसे हम देश चलाते दे गए जैसे जैसे हमारा देश आगे बढ़ता गया वैसे हमें पता चला कि पॉलिटिक्स में ये भी हो सकता है एंड दैट्स वाई टू प्रीवेंट दिस काइंड ऑफ इविल सब्सटेंसेस फ्रॉम द दी पॉलिटिक्स 1985 में एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया अकॉर्डिंग टू द एंटी डिफेक्शन लॉ अ मेंबर ऑफ अ हाउस बिलोंगिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी बिकम डिसक्वालीफाइड फॉर बींग मेंबर ऑफ़ द हाउस इफ़ कब एंटी डिफेक्शन लॉ लगाया जाएगा इफ़ ही वॉलेंटरीली अप हिज मेंबरशिप ऑफ सच पॉलिटिकल पार्टी अगर वो वॉलेंटरीली गिव अप कर देता है ही वोट्स और एब्सटेंस फ्रॉम वोटिंग इन सच हाउस कॉन्टररी टू एनी डायरेक्शन इश्यूड बाई हिज पॉलिटिकल पार्टी विदाउट ओप्टेनिंग प्रियर परमिशन ऑफ सच पार्टी एंड सच एक्ट हैज नॉट बीन कंडोन्ड बाई द पार्टी विद इन फिफ्टी डेज मान लीजिए कि कभी सदन uh, में वोटिंग हो रहा है चाहे वो विधानसभा हो विधान परिषद हो या तो आपका राज्यसभा हो या लोकसभा हो एनी ऑफ द हाउसेज में अगर वोटिंग हो रहा है और व्हीप का कॉन्सेप्ट आई अज्यूम के सबको पता होगा वीप इज़ लाइक अ मॉनिटर इन दी हाउस फॉर अ पर्टिकुलर पार्टी अगर व्हीप ने बोला है कि भाई हमें किसी कोई बिल आया है उसके येस yes, उसके फेवर में वोट करना है या तो उसके अगेंस्ट में वोट करना है और अगर कोई एमएलए या एमपी उस चीज़ को नहीं मानता है उसको फॉलो नहीं करता है तो उसके खिलाफ उसकी पार्टी एंटी डिफेक्शन लॉ लगा सकती है टू एक्सपेक्टेश डिसक्फिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन इफ अ मेंबर गोज आउट ऑफ इस पार्टी एज अ रिजल्ट ऑफ अ ऑफ अ मर्जर ऑफ द पार्टी विथ अनदर नदर पार्टी अगर किसी पार्टी के टू थर्ड मेंबर्स किसी और पार्टी में चले जाते हैं तो एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगाया जाएगा ओके अ मर्जर टेक्स प्लेस वेन टू थर्ड

और देखिए जो भी हाउस प्रोसीडिंग्स है उसका फाइनल ऑथोरिटी किसको दी गई है स्पीकर को दी गई है ओके सो एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग डिस्कालीफिकेशन अराइजिंग आउट ऑफ डिफेक्शन इज टू बी डिसाइडेड बाई द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ दी हाउस और प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होगा स्पीकर चलिए तो रिबेल एम एल ए आर्ग्यूमेंट क्या कर रहे हैं राजस्थान हाईकोर्ट में इन द रिट पिटिशन Now you must know the concept of repetition. It is already covered in your polity lectures, right? In the repetition citing violation of their freedom of speech and expressions, the legislators argued that they had neither given up their membership of the House nor did their failure to attend the two CLB meetings render them liable for disqualification on the ground of defection. Okay, though. लॉ ऑफ डिफेक्शन में कहीं पर ये कहा ही नहीं गया है कि भाई टू सी एल पी मीटिंग अगर अटेंड नहीं करेंगे तो आपको सीधा एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर नोटिस आ जाएगा देर फॉर द चैलेंज द क्लॉज टू वन एफ देंथ स्केड्यूल ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दैलिडिटी ऑफ द राजस्थान असेंबली मेम्बर्स डिसक्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ चेंजिंग पार्टी रूल्स नाइनटीन एटी नाइन यहाँ पे कहीं पर चेंजिंग पार्टी वाला सीनारियो एज ऑफ नाउ तो है ही नहीं अभी तो ऐसा कोई ऑफिशियल न्यूज है ही नहीं कि उन लोगों ने पार्टी से रिज़ाइन कर दिया है या उन लोगों ने बीजेपी या और फॉर दैट मैटर और कोई पार्टी ज्वाइन कर ली है राइट तो क्यों उन लोगों को एंटी डिफेक्शन लॉ का नोटिस भेजा गया है क्लॉज टू वन ऑफ द टेंथ स्केड्यूल स्टेट्स दैट द मेंबर मे बी डिसक्वालीफाइड इफ़ ही हैज़ वॉलेंटरीली गिवन अप हीज़ मेंबरशिप तो उन्होंने तो वॉलेंटरीली मेंबरशिप अभी रिज़ाइन किया ही नहीं है वॉलेंटरीली मेम्बरशिप गिव अप की ही नहीं है तो फिर उनको क्यों नोटिस भेजा गया है दे ऑल्सो कंटेंडेड दैट दे कुड नॉट बी डिसक्वालीफाइड मेरली फॉर डिसंग विद द डिसीजन एंड पॉलिसीज ऑफ सम लीडर्स आउटसाइड असेंबली ओके तो ये पॉलिटिकल वेंडेटा होता हुआ हमें यहाँ पे दिख रहा है उसमें हमें जाने की जरूरत नहीं है वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द एंटी डिफेक्शन लॉ सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग क्या था पास्ट में जब ऐसे केसेज हुए थे तो द सुप्रीम कोर्ट इन दी दीहोटो होलोन वर्सेस जाचिलो एंड अदर्स 1992 टू हैज सेड दैट ये केस था 1992 का उसमें सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा था दैट जुडिशियल रिव्यू कैन नाट बी अवेलेबल एट अ स्टेज प्रियर टू द मेकिंग ऑफ अ डिसीजन बाई द स्पीकर और द चेयरमैन तो देखिए यहाँ पे स्पीकर ने अपना डिसीजन बना लिया है कि भाई उनको डिसक्वालीफाई करना है नोटिस में ये लिखा गया था बट राजस्थान हाईकोर्ट में ये कह रहे हैं कि भाई उनको डिसक्वालीफाई नहीं किया गया है उनको जस्ट शो कोज नोटिस देने को कहा गया है तो नाउ वी नीड टू वेट फॉर दी वर्डिक्ट राजस्थान हाई कोर्ट नॉर वुड इंटरफियरेंस बी परमिसेबल एट एनी इंट्रोलुक्टरी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स तो सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया है कि भाई हाउस के प्रोसीडिंग्स में सदन की कार्यवाही में कोर्ट हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो वो इंटरफेयर नहीं करेगा क्यों इंटरफेयर नहीं करेगा क्योंकि जो स्पीकर की पोस्ट है स्पीकर और चेयरमैन राज्यसभा में चेयरमैन होंगे लोकसभा में स्पीकर होंगे तो स्पीकर और चेयरमैन की जो पोस्ट है दैट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट एंड दैट इज़ रिस्पेक्टेबल कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट और उसके ऊपर जो इंसान बैठा होगा उसकी कुछ गरिमा होगी उसकी कुछ रिस्पेक्ट होगी एंड देट्स वाई कोर्ट डज नॉट वॉन्ट टू रेज अ क्वेस्चन ऑन देअर डिसीजन उनको फैसला लेने की अनुमति है पावर उनको दे दी गई है अगर उसमें कुछ गलत लगता है देन द ईदर ऑफ पार्टी कैन मूव टू कोर्ट द ओनली एक्सेप्शन फॉर एनी इंटरलॉक्टरी इंटरफेन्स डिक्री और जजमेंट बींग केसेस ऑफ़ इंटरलॉक्टरी डिसक्वालिफिकेशंस और सस्पेंशन विथ मी हैव ग्रेव इमीडिएट और रे रिवर्सिबल रेपोकशंस एंड कॉन्सिक्वेंसिस दियर फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स कैन नॉट जुडिशियली रिव्यू डिसक्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स अंडर द टेंथ स्ड्यूल ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द स्पीकर और चेयरमैन मेक्स अ फाइनल डिसीजन ऑन मेरिट्स तो जब तक स्पीकर और चेयरमैन फाइनल डिसीजन डिसक्वालिफिकेशन पे नहीं ले लेते तब तक कोर्ट इस पर इंटरफियर नहीं करेगा और क्या रीज़न है लिमिटेड रोल कोर्ट का तो वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है द बेंच एक्सप्लेन दैट द रीज़न फॉर लिमिटिंग द रोल ऑफ कोर्ट्स इन ऑनगोइंग डिफेक्शन प्रोसीडिंग्स इज दैट द ऑफिस ऑफ स्पीकर इज हेल्ड एट द हाईएस्ट रिस्पेक्ट एंड एस्टीम इन पार्लियामेंटरी ट्रेडिशन एंड दैट्स कोर्ट डज नॉट वॉन्ट टू इन और जुडिशियल रिव्यू कब होगा इट हैज़ सेट दैट इवन द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू अगेंस्ट एन

नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू आवर ऑटोमेटिव इंडस्ट्री एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म सो आई सी ए ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम दिया गया है इस्पायर सो द इंटरनेशनल सेंटर ऑफ ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी इज डेवलपिंग अ टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म फॉर द दटोमेटिव इंडस्ट्री कॉल्ड एस्पायर और एस्पायर का फुल फॉर्म आपको याद रखना है दैट इज ऑटोमेटिव सोल्यूशंस पोर्टल फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन जो तो जो भी ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी का जो सेक्टर है उसके लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म डेवलप किया जा रहा है दी पोर्टल इज़ एक्सपेक्टेड टू हेल्प इन डेवलपिंग अ स्ट्रॉग एंड सेल्फ रिलायंट ऑटोमेटिव इंडस्ट्री इन इंडिया विच इज़ इन ट्यून विद द विज़न ऑफ मेक इन इंडिया एंड आत्मनिर्भर विजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या है ये पोर्टल सो द पोर्टल इज बीइंग डेवलप्ड इन लाइन विद द इनिशिएटिव बाय द डिपार्टमेंट ऑफ़ हैवी इंडस्ट्री अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक इंटरप्राइजेज आपको मिनिस्ट्री का नाम याद रखना है ट्रिकी क्वेश्चन में आपको ये पूछा जाएगा कि भाई ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर इसको डेवलप किया जा रहा है ओके सो मिनिस्ट्री ऑफ़ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेज डी एच आई हैज़ टेकन एन इनिशिएटिव टू प्रमोट इनोवेशन एंड टू डेवलप द रिलेटेड इकोसिस्टम ऑब्जेक्टिव क्या है इसका तो ऑलरेडी मैं बता चुका आपको कि ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी की जो इंडस्ट्री है उसको आगे बढ़ाने के लिए टू एनहांस द टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी ऑफ इंडियन ऑटोमेटिव सेक्टर थ्रू एक्सचेंज ऑफ नॉलेज एंड एक्सपर्टीज इन ऑर्डर टू मेक देम सेल्फ रिलायंट एंड टू फैसिलिटेट द ग्रोथ ऑफ़ द ऑटोमोबाइल सेक्टर एंड ओवरऑल सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री फंक्शनिंग क्या होगी इट विल फैसिलिटेट द इंडियन ऑटो इंडस्ट्री आर एंड डी इंस्टीट्यूशंस एंड एकेडेमिया टू कम टूगेदर फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट शॉप फ्लोर क्वालिटी वारंटी इश्यूज़ रिजोल्यूशन opinion ओपिनियन ऑन involving इन्वॉल्विंग टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट portal विल also होस्ट grand चैलेंजेस इन लाइन with द नीड ऑफ़ द इंडस्ट्री एज विल बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर डेवलपमेंट ऑफ की ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजीज तो ओके सो बेसिकली जो ऑटोमेटिव इंडस्ट्री है उसको किस तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आगे बढ़ाया जाए उसके लिए ये पोर्टल को लॉन्च किया जाएगा नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है यूनाइटेड नेशंस इकोसोक मिट दो में अक्टूबर 2020 में यूनाइटेड नेशंस के 75 साल पूरे हो रहे हैं तो किस तरह से यूएन को आगे की डायरेक्शन क्या होगी क्या क्या बदलाव यूनाइटेड नेशंस में होने चाहिए उसका पूरा और अब तक यूनाइटेड नेशंस ने क्या काम किया है उसका पूरा रिव्यू इन दिनों चल रहा है और उसमें पार्ट लिया है की नोट स्पीकर के तौर पर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उसमें पार्ट पार्टिसिपेट किया था रिसेंटली द यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इकोसॉक हैज़ हेल्ड अ हाई लेवल डायलॉग ऑन दी सब्जेक्ट लेटरलिज्म आफ्टर कोविड नाइन्टीन वॉट काइंड ऑफ यूनाइटेड नेशंस डू वी नीड एट दैवेंटी फिफ्थ एनिवर्सरी तो ये थीम आपको देखिए याद रखना है इकोसॉक का जो थीम है वो आपको याद रखना है मल्टी आफ्टर कोविड 19 वॉट काइंड ऑफ यूनाइटेड नेशंस डू वी नीड एट दैवेंटी फिफ्थ एनिवर्सरी दी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया गेव अ स्पीच फोकसिंग ऑन इंडियाज़ बैटल अगेंस्ट द कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक एंड एम्फोसाइज अपॉन द नीड ऑफ मल्टी इन अचीविंग सस्टेनेबल पीस एंड प्रोस्पेरिटी ही ऑल्सो इंडिकेटेड इंडियाज़ पुश फॉर अ परमानेंट सीट इन यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल यू एन एस सी में एज ऑफ नाउ पाँच कंट्रीज़ जो है उनको परमानेंट सीट मिली हुई है इंडिया जापान एंड जर्मनी ये तीनों कंट्रीज़ यू एन एस सी की परमानेंट सीट के लिए अपनी जो बिड है उसको प्रमोट कर रहे हैं और देखिए सारे कंट्रीज अब ये कह रहे हैं कि वाई दिस फाइव कंट्रीज़ आर होल्डिंग दिस यू एन एस सी डिसीजन बाकी सारे कंट्रीज़ को भी चांस मिलना चाहिए क्यों क्योंकि उनकी इकोनॉमी काफ़ी आगे है दोज़ आर डेवलपिंग नेशंस तो उनका भी एक से होना चाहिए यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में द यूएन विल सेलिब्रेट द सेवेंटी फिफ्थ एनिवर्सरी ऑन ट्वेंटी फोर्थ अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी ओके आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर ये डिसाइड हुआ था कि भाई वर्ल्ड वॉर में जाने से पहले जो हमारे डिस्प्यूट है उसके लिए एक बॉडी uh, होना चाहिए हमारे पास ताकि हम बैठकर हमारे जो डिस्प्यूट्स है उसको सुलझा सकें एंड दैट्स वाई इस्टेब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशंस को कोविड नाइनटीन एंड करंट इंडियन सीनारी क्या है सो इंडिया हैज़ ऑलरेडी क्रॉस्ड वन मिलियन मार्क फॉर कोविड नाइन्टीन केसेज रिसेंटली मेकिंग इट दी थर्ड हाइस्ट इंसिडेंस इन दी वर्ल्ड पहले है, पहले नंबर पर है यू एस ए देन ब्राज़ील एंड देन इंडिया जहाँ पे कोविड नाइन्टीन के सबसे ज़्यादा केसेज हमें देखने को मिले हैं इंडिया ऑल्सो हैज़ द थर्ड हाइस्ट रिकवरीज एट अबाउट सिक्स लेख फोर्टी फोर थाउजेंड आफ्टर द यू एस एंड ब्राज़ील हवेवर इट्स रिकवरी रेट इज अबाउटी थ्री परसेंट विच रैंक्स इंडिया एट नंबर फोर्टी टू इन वर्ल्ड तो देखिए रिकवरी रेट में हम कितने पीछे हैं और क्या क्या एफर्ट्स इंडिया ने अब तक लगाए हैं सो इंडिया हैज़ एक्सटेंडेड असिस्टेंस टू मोर देन वन फिफ्टी कंट्रीज दवाइयाँ भेजनी हो या मेडिकल सपोर्ट भेजना हो या मेडिकल टीम भेजनी हो तो ऐसे 150 कंट्रीज़ को हमने पेंडेमिक के टाइम में मदद की है फॉर एग्जांपल असिस्टेंस इन मटेरियल्स एंड सर्विस टू अफगानिस्तान बांग्लादेश भूटान एंड द मालदीव्स तो इन सारे कंट्रीज़ को ऑपरेशन संजीवनी के तौर पर जो बेसिक दवाइयाँ थी कोविड uh, किट थी वो सारी चीज़ें वहाँ पर भे भेजी गई इंक्लूडिंग नेपाल एंड श्रीलंका इंडिया सेटअपस साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन सार्क कोविड नाइन्टीन इमरजेंसी फंड आपको अगर पता होगा इसके बारे में बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं आपको मुझे बताना है कि कौन से कंट्री के हेड ऑफ़ दी स्टेट में इसके लिए जो वर्चुअल मीटिंग हुई थी सार्क के नेताओं के बीच जो मीटिंग हुई थी उसमें हिस्सा नहीं लिया था इन दिस साउथ एशियन नेबरहुड सो सार्क के कंट्रीज को भी हमने ऑलमोस्ट सेवेंटी फोर करोड़ जितना पैसा है वो उनको डिस्ट्रीब्यूट किया है पी एम केयर्स फंड टू डील विथ एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी और डिस्ट्रेस सिचुएशन लाइक पोस्ड बाई दी करंट पेंडेमिक आत्मनिर्भर भारत अभियान विथ वरियस इकोनॉमिक स्टिम्यूलस पैकेजेज वर्थ रुपीज ट्वेंटी लैक करोर एम्ड टुवर्ड्स अचीविंग दी मिशन ऑफ सेल्फ रिलायंस तो पूरा एक आत्मनिर्भर का जो कॉन्सेप्ट है वो ड्यूरिंग पेंडेमिक एक लॉन्च किया गया है ताकि आने वाले सालों में हमें चाइना के ऊपर रिलायंस ना रखना पड़े चाइना के ऊपर रिलायंस ना रहना पड़े और हम खुद मैन्यूफैक्चर करके जो चीज़ें हैं उसको क्या कर सके एक्सपोर्ट कर सके इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल क्या है यूनाइटेड नेशंस की तो उसको बेसिकली यूनाइटेड नेशंस की जो पॉलिसी पॉलिसीज़ uh, है उसको रिव्यू करने के लिए बनाया गया था इट इज़ द प्रिंसिपल बॉडी ऑफ यू फॉर कोऑर्डिनेशन पॉलिसी रिव्यू पॉलिसी डिलॉग एंड रिकमेंडेशनस ऑन इकनॉमिक सोशल एंड एनवायरमेंटल As well as implementation of internationally agreed development goals. It has 54 members elected by the General Assembly for overlapping three year terms. It is the United Nations' central platform of reflection, debate, and innovative thinking on sustainable development. Each year, ECOSOC structure its work around. एन एन्यूअल थीम ऑफ ग्लोबल इम्पोर्टेंस टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट दिज एनश्योर फोकस्ड अटेंशन अमोंग इकोसॉक्स अरे ऑफ पार्टनर्स एंड थ्रू आउट द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट सिस्टम तो इस बार का थीम जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक के बाद और पचहत्तर साल जब पूरे हो रहे हैं यूनाइट नेशन्स के उसके बाद का यूनाइटेड नेशन्स जो है वो कैसा होना चाहिए और जो बेसिक काम है इकोसॉक का वो क्या है इंटरनेशनल लेबल ऑर्गेनाइजेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ये सारी जो बॉडीज़ है वो इकोसॉक के अंडर काम कर दी है यूनेस्को है डब्ल्यू एच ओ है यूनिसेफ है तो इन सारे इन सारे ऑर्गेनाइजेशन के जो काम होंगे जो डेवलपमेंट वर्क होंगे उनको रिव्यू करने का काम कौन करेगा आपका इकोनॉमिक एंड सोशियो सोशल काउंसिल दैट इज शॉर्टली नोन एज इकोसॉक ओके नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा दैट इज़ ग्लोबल मल्टी डाइमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स 2020 काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए क्यों बिकॉज यहाँ पे जो इंडियन कॉन्टेक्स में अगर इसको देखेंगे तो काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस हमें इस इंडेक्स में हमें देखने को मिला है सो रिसेंटली ग्लोबल मल्टी डाइमेंशनल इंडेक्स ट्वेंटी ट्वेंटी वॉज रिलीज बाई होम देखिए इंडेक्स का नाम क्या है वो मैंने आपको बता दिया ग्लोबल मल्टी डाइमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स तो देखिए ये दो चीज़ें हमें एक तो यहाँ पे याद रखनी है पोवर्टी के बारे में तो बात हो रही है बट मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी के बारे में बात हो रही है अब आपको लगेगा कि भाई मल्टी डाइमेंशनल पोवर्टी का मतलब क्या है तो पोवर्टी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मैं इकोनॉमिकली पुअर हूँ जब मैं इकोनॉमिकली पुअर होता है कोई इंसान या सोसाइटी का कोई तबका तो वो सोशली भी पुअर होता है वो कल्चरली भी पुअर होता है वो एजुकेशनली भी पुअर होता है वो न्यूट्रिशनली भी पुअर होता, होता है राइट तो इसीलिए दिस इज़ द मल्टी डायमेंशनल पोअर्टी इंडेक्स रिसेंटली ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पोअर्टी इंडेक्स वॉज रिलीज बाई होम यूनाइटेड नेशन यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम दैट इज़ यू एन डी पी एंड दी ऑक्सफर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव दैट इज़ ओ पी एच आई तो ये दोनों संस्थाओं का नाम आपको याद रखना है दोनों ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपको याद रखना है ओ पी एच आई एंड यू एंड डी पी और इस बार की थीम क्या है चार्टिंग पाथवेज़ आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी अचीविंग दी एस डीजीज द डेटा ऑफ द इंडेक्स इज बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ पोवर्टी ट्रेंड्स इन सेवेंटी फाइव कंट्रीज तो सेवेंटी फाइव कंट्रीज़ का डेटा यहाँ पे स्टडी uh, किया गया है द मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स वॉज लॉन्च्ड बाई यू एन डी पी एंड दी ओ पी एच आई इन दर ऑफ ट्वेंटी टेन

राधर इट इज मल्टी डायमेंशनल और इसीलिए उसको क्या नाम दिया गया है मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी द इंडेक्स शोज द प्रपोर्शन ऑफ पुअर पीपल एंड द एवरेज नंबर ऑफ डिप्रीवियशंस ईच पुअर पर्सन एक्सपीरियंसिस एट द सेम टाइम एम पी आई यूजिस थ्री डायमेंशन एंड टेन इंडिकेटर्स विच आर एजुकेशन हेल्थ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ओके तो बेसिकली जो मल्टी डायमेंशनल पोअर्ट इंडेक्स बनाया जाता है वो कौन से फील्ड uh, को या कौन से सब्जेक्ट को ध्यान में रखे हुए बनाया जाता है एजुकेशन हेल्थ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अ पर्सन इज मल्टी डायमेंशनली पुअर इफ़ शी और ही इज डिप्राइव्ड इन वन थर्ड और मोर ऑफ इंडिकेटर्स अगर मेरा रैंकिंग थर्टी थ्री परसेंट से अंडर में है तो मैं मल्टी डाइमेंशनल मल्टी डाइमेंशनली पुअर की कैटेगरी में आ जाऊंगा दोज डिप्राइव्ड इन वन हाफ़ और मोर ऑफ वेटेड इंडिकेटर्स आर कंसिडर्ड लिविंग इन एक्सट्रीम मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी एम पी आई इज सिग्निफिकेंट एज इट इज़ इट रिकोगनाइज पोवर्टी फ्रॉम डिफरेंट डायमेंशन कम्पेयर टू कन्वेंशनल मेथडोलॉजी दैट मेजर्स पोवर्टी ओनली फ्रॉम द इनकम ऑफ मोनेटरी टर्म्स ग्लोबल सिनारियो क्या है सो टिल नाउ 1.3 बिलियन पीपल आर स्टिल लिविंग इन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी मोर देन 80 परसेंट ऑफ आर डिप्राइव्ड इन एटलीस्ट फाइव ऑफ द टेन इंडिकेटर्स यूज्ड टू मेजर हेल्थ एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ द्लोबल एम बी तो देखिए वन बिलियन पीपल अभी भी मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी के अंदर जी रहे हैं दी बर्डन ऑफ मल्टी डाइमेंशनल पोवर्टी डिस प्रपोर्शनेटली फॉल्स ऑन चिल्ड्रन हाफ ऑफ मल्टी डायमेंशनलिटी पोअर पीपल आर चिल्ड्रन अंडर एज एटीन सिक्सटी फाइव आउट ऑफ द सेवेंटी फाइव कंट्रीज स्टडीड सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड देयर मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी लेवल बिटवीन टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी नाइनटीन About 84.3 of multidimensionally poor people live in Sub-Saharan Africa and South Asia. Okay, to तो देखिए 84.3 multidimensionally poor jo jo log hai वो या तो अफ्रीका में रह रहे, रहे हैं, या तो South Asia के जो pen Asia का जो region रीज, है, वहाँ पे रह रहे हैं. 67 percent of multidimensionally poor people are in middle income. कंट्रीज इन इंडिया ऑब्वियसली फॉल इन मिडल इनकम कंट्रीज़ इंडियन सिनारी क्या है तो इंडिया हेज़ लिफ्ट एज मैन यस टू सेवेंटी मिलियन पीपल आउट ऑफ एम पी आई बिटवीन टू थाउजेंड फाइव सिक्स टू थाउजेंड फिफ्टीन सिक्सटीन दस सालों में हमने दो सौ सत्तर मिलियन लोगों को मल्टी डाइमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकाल निकाला है इसका मीनिंग क्या है कि हम हम हमने ज़्यादा लोगों तक एजुकेशन पहुंचाया है ज़्यादा लोगों तक हेल्थ केयर पहुँचाया है और ज़्यादा लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो कैसा हुआ है बेहतर हुआ है विथ कंपेय टू बिफोर 2005 एरा नेबरहुड सिनारियो क्या है सो इन चाइना 70 मिलियन पीपल लेफ़्ट मल्टीडाइमेंशनली

थ्री टू टेन ईयर्स ड्यू टू कोविड नाइन्टीन देखिए जो माइल थे वो तीन से दस साल तक पीछे चले जाएंगे क्यों क्योंकि कोविड नाइन्टीन की वजह से जॉब लॉस हो रहा है इंडस्ट्रीज़ बंद है और इसकी वजह से जो सीधा असर पड़ेगा वो आखिरी का जो एम्प्लॉय एम्प्लॉ है उस पर पड़ेगा क्यों क्योंकि उसकी जॉब चली जाएगी उसके पास जब इनकम नहीं होगी तो एजुकेशन पे हेल्थ केयर पे या अपने लिविंग स्टैंडर्ड पे खर्च करने के लिए उसके पास पैसा नहीं होगा चलिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है इंडेक्स एम्फोसाइज ऑन मेजरिंग एंड मॉनिटरिंग प्रोग्रेस अंडर द गोल्स टू रीच ज़ीरो पॉवर्टी बाय ट्वेंटी गोल वन ऑफ द एस तो ये भी हमें और थोड़ा दस पंद्रह साल पीछे जाता हुआ दिखेगा सो दिस वॉज योर टूडेंट्स करंट अफेयर लेक्चर्स I hope you have enjoyed the lecture. Let me know in case of any doubt. Stay home, stay safe. Thank you.